सुबह सवेरे पहले सोशल डिस्टेंसिंग से शुरुआत, फिर सैनिटाइजेशन, चेहरे पर मास्क लगाकर काम शुरू। यह नज़ारा इंदौर के पिपलियाहाना फ्लाईओवर ब्रिज लॉक का है। लॉकडाउन में सोशल परमिशन से फ्लाईओवर बनाने का काम आईडीए ने शुरू करा दिया है। लॉकडाउन में जब सब अपने घरों में बैठे हैं, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आपके इंदौर शहर में आपके शहर को संवारने का काम कर रहे हैं, फ्लाईओवर बनाने का काम कर रहे हैं। 10 मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। इन्हें भी घर जाना है, लेकिन न कोई साधन है न सुविधा। घर नहीं जा पाए, दिल में इस बात का दर्द है, लेकिन दर्द को भूलकर फिर हो जाते हैं काम में मशगूल। सबकी अलग अलग कहानियां हैं। क्या हुआ आप लॉकडाउन में घर नहीं जा पाए? कुछ व्यवस्था नहीं हुआ सर, बस उसका ऑनलाइन टिकट भी बनाया, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। घर जाना चाहते हैं हम लोग, घर चले जाए तो अच्छा हो जाए। लॉकडाउन कितना दिन तक रहेगा नहीं रहेगा क्या पता। खाने पीने को मिलता है यहाँ पे? खाने पीने के लिए मिलता है साहब, खाने पीने, यहाँ परिवार वहाँ पे टेंशन में है, यहाँ पे हम लोग है तो क्या खाने पीने से थोड़ी होगा। आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं मऊ जिला के रहने वाले हूँ। कहाँ? उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश सर जी। कब से हैं यहाँ पे? सर मेरे को साल भर हो गया यहाँ पे। तो क्या जा नहीं पाए आप वहाँ पर? सर ऐसा कि जा नहीं पाए, काम चल रहा था, जा नहीं पाए। इसी में होली पर जाने वाले थे, घर पे शादी पड़ गया, इसकी वजह से जा नहीं पाए। और जब जाना चाहे तो फिर लॉकडाउन हो गया यहाँ पे। और जाना चाहते हैं मगर कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो कितने समय से आप लोग काम कर रहे हैं? सर काम तो यहाँ पे हम लोग साल भर से कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं? सब सुविधाएं सर, खाने के लिए तो सब सिस्टम ठीक है, मगर हम लोग घर भी जाना चाहते हैं कि घर से होके आए तो काम करें। क्या कहाँ से आए हुए हो आप, क्या काम कर रहे हो यहाँ पर? बिहार से फ्लाईओवर का काम कर रहा हूँ इंदौर में। अच्छा, क्या हुआ आप नहीं निकल पाए यहाँ से? सर कुछ साधन नहीं हो पा रहा है, ट्रेन नहीं चल पा रहा है, कुछ साधन नहीं हो रहा है, कैसे अगर कुछ नहीं कर रहा है। कितने मजदूर लेके आए हो आप लोग? मेरे पास 11 मजदूर है। बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी सब पैदल चला गए, कुछ साधन नहीं मिला, कौन कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। अच्छा पैदल भी चले गए यहाँ जी? तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य सेवाएं और खाना पीना मिल रहा है? खाना पीना तो दे रहा है अपना कंपनी, खर्चे उर्चे दे रहा है। बाकी अपना हम लोग घर जाने चाह रहे हैं, घर में बहुत तकलीफ है, माँ बहन है सब है, लोग बोले आ जाओ, तो यहाँ तो साधन कुछ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ काम कैसे शुरू कर दिया अपन ने? आपके काम का परमिशन मिला है? लॉकडाउन में टोटल सोशल मेंटेन कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं 20 सेकेंड तक, दस्ताना यूज कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर सामान मिल रहा है आपको यहाँ काम करने का? काम करने के लिए जो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है मशीनरी में तो उसके लिए दिक्कत होता है कि अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट बंद है पूरा। तो जो सामान अपने पास अवेलेबल है उस चीज़ को लेके काम हो रहा है। जैसे ही कोरोना का ये संकट आया है तो उसके बाद पूरे शहर में क्या पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी, और जो भी उद्योग थे, उद्यम थे और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे शासन के, वो सारे के सारे रोक दिए गए थे। लेकिन करीबन 1.5 महीने बाद स्थिति जैसे इम्प्रूव हुई है तो केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया और जैसे राज्य सरकार द्वारा हमको उपलब्ध कराया गया है कि अब जो है ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि इन सीटू वहीं पर मजदूर लोग फंसे हुए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जा सकता है। तो इंदौर विकास प्राधिकरण ने इस क्रम में पहल करते हुए हमारे दो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, एक तो पिपलियाहाना का जो ओवरब्रिज बन रहा है उस ब्रिज को प्रारंभ करा दिया गया है। इसी प्रकार जो सुपर कॉरिडोर के डेवलपमेंट का कार्य रुका हुआ था उस कार्य को, चूँकि वहाँ पर मजदूरों की उपलब्धता है, वो लोग वहीं पर रुके हुए थे और शासन के जो निर्देश हैं उसके क्रम में उनको चालू करा दिया। जैसे पिपलियाहाना ब्रिज तो अंतिम स्टेज पे है, पूरा होने को है, तो शहर को कोरोना के बाद एक सौगात मिलने की संभावना है? अगर ये परिस्थिति निर्मित नहीं होती तो ये कार्य लगभग 15 अप्रैल तक पूरा हो ही गया होता। बिल्कुल अंतिम स्टेज पर है, थोड़ा सा काम रुका हुआ है, लेकिन इसमें ये भी है कि अभी कुछ मैकेनिकल वर्क हम नहीं कर पाएंगे, तो उम्मीद है कि जैसे कि ये अगले 1-1.5 महीने में जैसी भी स्थिति बनती है हम इस कार्य को पूरा कर और इस ब्रिज को सब जनता के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज टुडे।